यज्ञ यज्ञ
अधिपते नमः। दिव्य आसनम समर्पयामि। सभी से ले लीजिए चावल और फूल। यहाँ पे चढ़ाइए। ओम श्री गंगनपते नमः। दिव्य आसनम समर्पयामि। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। दिव्य आसनम समर्पयामि। आप ऐसे दो उंगली और एक अंगूठी सिंदूर वाली उंगली लगा ऐसे पकड़ना कि नहीं सिंदूर वाली बंद करना। आप चार सीटें दीजिए कि नहीं। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। पाद्यम मर गंगा चुमन स्नानम समर्पयामि। ऐसे स्नान करवाइए पांच बार। ओम श्री महागणाधिपते नमः। पयाः पृथ्वी व्याम पयोख दिशो पयो दिव्यंतरिक्षाय पयो दाः पयस्वती प्रदिशाः सन्तु मह्यम्। साफ कीजिए। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणि वालस्थ अश्विना श्वेता श्वेताक्षोरुनस्ते रुद्राय पशुपते करणायमा अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपा पारजन्य शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। इसे साफ करना जी। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। दिव पंचामृषनानं उपरांतके शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। ओम श्री गंगनपते नमः। देव दूध दधि घृत मधु शक्रायुक्तं पंचामृषनानमुपरांतके शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। मौली को एक छीटा देना। जैसे हम वस्त्र धोकर पहनते हैं ऐसे पहना नहीं। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाताय नमः। लंबोदराय नमः। एकदंताय नमः। दिव वस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। दिव वस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाताय नमः। दिव यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। ऐसे पहना है। ओम शुक्लं ब्रह्म दिव विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजं प्रसन्न वंदनम ध्यायत सर्व विघ्नो परिशांते। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। ओम श्री आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मारुदगणा तिलकंतु परिशंतु धर्म का मार्थ सिद्धे हल्दी। ओम श्री गंगनपते नमः। दिव पीत गंध्यम समर्पयामि। ओम श्री महागणाधिपते नमः। ओम श्री रक्त चंदनम समर्पयामि। ओम श्री गंगनपते नमः। गोपी चंदनम दिवगंध्यम समर्पयामि। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। दिव चंदन गंध्यम समर्पयामि। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। चावल। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। दिव अक्षतम समर्पयामि। फूल जी। ओम श्री गंगनपते नमः। दिव पुष्पम समर्पयामि। दूसरे हाथ पे रखिए लेफ्ट साइड। ध्रुव को ना ऐसे चढ़ाना। इसका फूल वाला हिस्सा अपनी तरफ रखिए। ओम श्री गणेशाय नमः। नीचे ऐसे। ओम रिद्धि सिद्धि के दाताय नमः। ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गजदंताय नमः। ओम श्री गजमुखाय नमः। ओम श्री धूम्रवर्णाय नमः। ओम श्री गजमुखाय नमः। ओम कांडात कांडात प्रोहन्ति पुरुषा पुरुषस्पर्येवानो सहस्त्रेण शतेन च ध्रुवा अंकुरान समर्पयामि। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। धूपम आग्रापयामि।
दीपं दर्शयामि ओम श्री गंगनपते नमः दिव नैवेद्यं समर्पयामि ओम श्री गणेशाय नमः रिद्धि सिद्धि के दाताय नमः नैवेद्यं उपरांत के जल कै क्षिताजे ओम श्री मनमहागणाधिपते नमः दिव मध्यपान्यं समर्पयामि ओम श्री फलानी यानी जल कै क्षिताजे ओम श्री फलानी यानी रम्याणि स्थापितानि तवाग्रता सफला भात भवे जन्मनि जन्मनि ऋतु फल समर्पयामि ओंगी फलम महादिव्यम नागबली दलरुतम दिव इलाची लवंग संयुतम तांबूलम समर्पयामि कुई दक्षिणा ओम श्री हिरण्य गर्भ गर्भतम हि बीजम जीवावतो अनंत पुण्य फल दम्मदा शांति परियच्छमे ओम श्री मन महागणाधिपते नमः दिव दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि ओम श्री मन महागणाधिपते नमः ओम श्री गंगनपते नमः दिव दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि ओम श्री महागणाधिपते जब एक कपूर की लड़की शांत हो गई ना तो दूसरी ओम श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुनरेकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम श्री मनमहागणाधिपते नमः ओम श्री गंगनपते नमः ओम जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः दो हाथ जो नमस्कार करना गणेश जी का ध्यान करना जी ओम श्री गजाननम भूतगत
नदि सेवितं काफितजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायका सर्वसिद्धिकरश्चास्तु घोरी पुत्रो विनायका। भगवान का ध्यान करना, ओम गणपति नमः का जाप करना, प्रार्थना करनी के हे श्री गणपति गणेश भगवान, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे श्री गणपति जी सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, हे शुभ लाभ के स्वामी, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, आज मधु शहद के साथ आपके पिताजी का शिव शंकर भोलेनाथ जी का जो हम अभिषेक करने लगे हैं, उससे पहले जो हमने आपका पूजन किया, जो तिलफुल आपके अर्पण किया, उसे स्वीकार कीजिए, गलतियों को दूर कीजिए, त्रुटियों को माफ कीजिए, भूलों को क्षमा कीजिए और प्रसन्न होकर हमें हर सुख प्रदान कीजिए। ये जो ध्रुवा हमने आपके अर्पण की है, जैसे ये ध्रुवा हरी रहती है, ऐसी की तरह हमारा परिवार कुल गोत्र और वंश है प्रभु, सदा हरा भरा कीजिए। और जैसे इस ध्रुवा के एक शाखा में से कई प्रकार की शाखाएं उत्पन्न होती है, इसी की तरह हमारा परिवार कुल गोत्र और वंश है प्रभु, कारोबार है, सदा बढ़ता रहे, हंसता रहे, खेलता रहे, तरक्की करता रहे, हम सभी निरोगता को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोलिए जी ओम अनेन अनेन पूजने श्री गणेशाय प्रियताम नमम। कि हे गणपति गणेश भगवान, हमने जो आपकी प्रीति के लिए आपकी पूजा की, उसे स्वीकार कीजिए और सदा के लिए हमारे घर में अपना निवास कीजिए, ताकि आप हमारे घर से कष्टों को दूर करें, रोगों को दूर करें, गुप्त शत्रुओं को दूर करें, इज्जत मान हमें प्रदान करें, हमारे कारोबार में वृद्धि करें, शुभ लाभ प्रदान करें। शुभ लाभ कौन है? भगवान गणपति जी के दोनों बेटे हैं, शुभ और लाभ, और रिद्धि सिद्धि भगवान गणपति जी की दोनों पत्नियां हैं। इसलिए हमें शुभ भी चाहिए और कारोबार में लाभ भी चाहिए, रिद्धि भी चाहिए और सिद्धि भी चाहिए। तो इनके दाता गणपति जी गणेश पहले हमारे घर में होंगे तो जो चारों आएंगे, इसलिए हे गणपति गणेश भगवान, आप इन चारों के सहित हमारे घर में सदा के लिए अपना आसन ग्रहण कीजिए। ओम गण गणपते नमः।